वंदे मातरम पूर्वांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी का आज का दौरा है। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का लैंड हो चुका है। विकास कार्यों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। आज झांसी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच चुके हैं। पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से वो 2 मिनट तक हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे। वहीं बाद में उन्होंने झांसी के बीजेपी जिलाध्यक्ष से कहा कि ऐसे तो व्यवस्था नहीं होती है। भीड़ अधिक होने की वजह से उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर, हालांकि मुख्यमंत्री को देना था गार्ड ऑफ ऑनर, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसीलिए अव्यवस्था देखने को मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं से मुलाकात करूंगा जो अनुशासित है। सीएम यहां झांसी और ललितपुर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे हैं। हेलीपैड से वो सीधे अधिकारियों के साथ समीक्षा करने पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बने नव निर्माण जिम्नेजियम हॉल का उद्घाटन करेंगे। मेडिकल कॉलेज का भी आज औचक निरीक्षण किया जाएगा। वहीं लक्ष्मी ताल में हो रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर सकते हैं, ये भी जानकारी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 8 मई को जनपद के लिए बेहद महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद जनपद ललितपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। बहरहाल फिलहाल झांसी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और विवेक राजौरिया मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी में तो आगमन हो चुका है, और इसके अलावा क्या मुख्यमंत्री के यहां पर कार्यक्रम है, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दीपका, आपको मैं बता दूं कि झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जैसा ही उड़न खटोला आया है, तो वहां पर जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कुछ लापरवाही सामने दिखी है, और साथ ही साथ उनके जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ आए प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोनों ने जिलाध्यक्ष को फटकार भी लगाई है कि ये किस तरह की अव्यवस्था जो है फैला भी है, ऐसी कैसी आपने व्यवस्था की है। इसको लेके जो वहां पर जिलाध्यक्ष वहां मौजूद थे उनकी काफी फटकार लगाते हुए, मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो सर्किट हाउस के लिए निकल चुका था। अब इस समय वो मुख्यमंत्री जो है नव निर्माण जिम्नेजियम जो हॉल है जिसका लोकार्पण भी कर रहे हैं, और इसके तत्पश्चात 500 बेड का जो मेडिकल इमरजेंसी जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जी विवेक, अभी आप बता रहे हैं कि लोकार्पण मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में करने वाले हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री कब तक झांसी में रहेंगे? बिल्कुल दीपिका, मुख्यमंत्री का 2 दिन का दौरा झांसी का है, और आज रात्रि विश्राम भी झांसी मुख्यमंत्री करेंगे, उसके बाद कल सुबह दतिया के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। दतिया से लौटकर दोबारा झांसी का आगमन होगा मुख्यमंत्री जी का, और वह जल जीवन पेयजल योजना जो है उसका भी निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से ललितपुर के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं 2 दिन का जो दौरा है मुख्यमंत्री जी का, दो दिवसीय दौरा रखा गया है। विवेक, अव्यवस्था की बात सबसे पहले कही जा रही थी, मुख्यमंत्री ने हालांकि नाराजगी व्यक्त की है, इस पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, हालांकि अव्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा गया? बिल्कुल, अब अधिकारियों की तरफ से तो अभी ऐसा कोई भी जो है जवाब आगे नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी व्यक्त की है, और उनके साथ साथ प्रदेश के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह उनके द्वारा भी नाराजगी व्यक्त की गई है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो, ठीक है, लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज नजर आए हैं, अधिकारियों को फटकार भी उन्होंने लगाई है। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के श्रम सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर पहुंचे कौशाम्बी, सांसद जिला अध्यक्ष और तीनों पूर्व विधायकों ने किया स्वागत उनका। उदयन सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं। अनिल राजभर कौशाम्बी पहुंचे हैं, सबसे पहले स्वागत सत्कार उनका हुआ। फिलहाल जानकारी यह है कि विकास कार्यों को लेकर वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उदयन सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। हालांकि सरकार आपके द्वार के तहत अब मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और विकास कार्यों की प्रगति भी जान रहे हैं।
और साथ ही साथ जानकारी भी ले रहे हैं। समीक्षा लगातार कार्यों को लेकर हो रही है। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री खुद झांसी में मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ अनिल राजभर कौशाम्बी पहुंचे हैं। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि कौशाम्बी में विकास कार्यों को लेकर वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो सांसद, जिला अध्यक्ष और तीनों पूर्व विधायकों ने सबसे पहले उनका स्वागत किया, उसके बाद अनिल राजभर बैठक कर रहे हैं। श्रम सेवा योजन मंत्री हैं अनिल राजभर, कौशाम्बी पहुंचे हैं और बैठक फिलहाल जारी है। तो अब सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो योजनाएं जिनकी घोषणा की गई है उन योजनाओं की प्रगति भी जाननी होगी और गति भी जाननी होगी। इसीलिए मंत्री अब क्षेत्रों में जा रहे हैं और साथ ही जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो जानकारियां जुटाई जा रही हैं, समीक्षा बैठकें जो की जा रही हैं, दरअसल इसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद विकास कार्यों की प्रगति और गति पर नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार वो ना केवल खुद दौरा कर रहे हैं, बल्कि उनके मंत्री भी क्षेत्रों में जा रहे हैं और विकास कार्यों की जानकारी भी ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। तो उदयन सभागार में समीक्षा बैठक अभी चल रही है फिलहाल विकास कार्यों को लेकर, और दीपक डालमिया मेरे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अनिल राजभर कौशाम्बी पहुंचे हैं फिलहाल, और क्या जानकारी मिल रही है? समीक्षा बैठक क्या अभी चल रही है या फिर हो चुकी है? पे आके मौके पे पहुंच गए, मेडिकल कॉलेज जहां पे बन रहा है प्लस, आपको बता दूं जिस तरह से जो कौशाम्बी के विकास है उसको लेके आज उन्होंने छलफल किया है। अब बता दूं इसके बाद जो सरकारी अस्पताल है वहां पे गए, उन्होंने वहां का जायजा लिया, और मैं बता दूं कौशाम्बी में मेडिकल अस्पताल बनाया जा रहा है जहाँ पे उनका भी उन्होंने सर्वेक्षण किया और दौरा किया। उसके बाद वो SDM DM इलाके के जो विधायक है, जो विनोद सुंकर है MP यहाँ के, उनके साथ बैठ कर आनंदी के साथ बैठे मीटिंग किया, सुरक्षा का सुरक्षा जायजा लिया और पुलिस के साथ बैठ के बाकायदा क्राइम को लेके भी इन्होंने मीटिंग किया। जिस तरह से आपने आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिन में प्रयागराज में हत्या कितनी हुई थी उसको लेके भी उन्होंने बाकायदा सुरक्षा को लेकर बातचीत की है। उन्होंने इन्होंने ये कहा है कि सुरक्षा और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो काम रुके हुए वो काम DM को सख्त आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द वो काम पूरा किया। बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि मंत्री अब विकास कार्यों की जानकारी खुद ले रहे हैं दीपक, लेकिन अनिल राजभर की बैठक की अगर बात की जाए तो किन किन विभागों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और कब से बैठक शुरू हुई है, अभी कितना समय हो गया है बैठक को? मैं बता दूं बैठक का दौर खत्म हो चुका है। मैं बता दूं PWD, जल बोर्ड, और मैं बता दूं जिस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बिजली की समस्या हो रही थी, जो गांव है आसपास के, वो गांव की समस्या को लेकर उन्होंने बोला है कि जिस तरह से गांव में जो बिजली कटौती होती है 6-6 घंटा, उस कटौती को कम किया जाए और जो रोड नहीं है वहाँ रोड बनाया जाए, हर घर में नल पहुँचाया, पानी पहुँचाया जाए। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा है जो बुजुर्ग है, जो अस्पताल आने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस सेवा वहां तक पहुंचाया जाए। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे एक साइकिल में बुजुर्ग को लेकर अस्पताल जाते हैं, उन्होंने वो बात भी बताई कि उनका साफ कहना है कि बिजली पानी मुद्दे को उन्होंने सबसे पहले रखा है। और बता दूं जिस तरह से आज राजभर देखा गया, एक्टिव देखे, और DM को भी उन्होंने कहा आदेश दिया कि कोई ठीक है, यानी कि तमाम विभागों के साथ अनिल राजभर बैठकें उन्होंने की है और कार्यों की, जो विकास कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों की जानकारी भी अधिकारियों से उन्होंने ली है। दीपक, शुक्रिया जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पहुंचे अमेठी, गौरीगंज के PWD गेस्ट हाउस में दिया गया उनको गार्ड ऑफ ऑनर। गेस्ट हाउस में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में GM, SP, CDO अंकुर लाठर समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मंत्री अब क्षेत्रों में उतरे हुए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो जल शक्ति मंत्री के साथ झांसी पहुंचे हैं और दूसरी तरफ कौशाम्बी पहुंचे हैं श्रम सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, तो तीसरी तरफ ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, उनका भी दौरा है अमेठी का। तो हर एक मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो क्षेत्र उनको उनके लिए तय किए गए थे
उन क्षेत्रों में मंत्री जा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि स्वागत सत्कार सबसे पहले और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक और विकास कार्यों की जानकारी। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें कि कोच रेलवे स्टेशन का निरीक्षण प्रयागराज जोन के परिचालन प्रबंधक ने निरीक्षण किया है। देश की सबसे छोटी 14 किलोमीटर वाली रेल लाइन का निरीक्षण किया गया है। यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई है। हालांकि कोच एट शटल ट्रेन से निरीक्षण करने पहुंचे परिचालन प्रबंधक तो देश की सबसे छोटी रेल लाइन पर मेमो ट्रेन चलाने की बात कही गई है। तो कोच रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। जालौन से जानकारी है, प्रयागराज जोन के परिचालन प्रबंधक ने निरीक्षण किया है। देश की सबसे छोटी 14 किलोमीटर वाली रेल लाइन का निरीक्षण किया गया है। तो यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी बारीकी से जांच की गई है। प्रयागराज जोन के परिचालन प्रबंधक पहुंचे और उन्होंने देश की सबसे छोटी रेल लाइन का निरीक्षण किया। देश की सबसे छोटी रेल लाइन का पर मेमो ट्रेन चलाने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। जालौन से ये जानकारी है। कोच रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। और सार्थक पांडे मेरे सहयोगी पोलैंड पर जुड़ गए हैं। सार्थक, इस खबर को लेकर और क्या जानकारी आपके पास? सार्थक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? चलिए, सार्थक से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल देश की सबसे छोटी 14 किलोमीटर वाली रेल लाइन का निरीक्षण किया गया है। यात्रियों को मिलने वाली सुविधा का भी बारीकी से, हालांकि यो सुविधाएं जो मिलेंगी यात्रियों को उनकी जांच भी की गई है। तो यात्रियों को जो सुविधाएं मिलेंगी उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है, कोई कमी ना रह जाए सुविधाओं में, इसको लेकर भी पहले से ही जांच जारी है। निरीक्षण किया गया है। कोच एट शटल ट्रेन से निरीक्षण करने परिचालन प्रबंधक पहुंचे हैं। देश की सबसे छोटी रेल लाइन पर मेमो ट्रेन चलाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। जालौन से ये जानकारी है। प्रयागराज जोन के परिचालन प्रबंधक हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है। देश की सबसे छोटी 14 किलोमीटर वाली रेल लाइन का निरीक्षण किया गया है। प्रयागराज जोन के परिचालन प्रबंधक ने निरीक्षण किया है। हालांकि यात्रियों को जो सुविधाएं मिलने वाली है उसकी भी बारीकी से जांच की गई है, आप पड़ताल की गई है। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। और अब खबर कुशीनगर से है। गन्ना विकास राज्य मंत्री गंगवार का दौरा बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित पावर हाउस का निरीक्षण किया है। शिकायतों के निस्तारण समेत कई समस्याओं पर चर्चा भी की है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जिला मुख्यालय स्थित पावर हाउस का निरीक्षण किया है। शिकायतों का निस्तारण, फोन नहीं उठाने की समस्या जो है उसका निस्तारण किया गया है। हालांकि ट्रांसफार्मर की स्थिति और बाकी जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी उन्होंने जाना है। तो कुशीनगर से यह खबर है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पडरोना तहसील का निरीक्षण किया है और समस्याओं को जानने की कोशिश की है। उप जिलाधिकारी कक्ष, तहसीलदार कक्ष और आईजीआरएस निस्तारण, राजस्व, अभिलेखागार, स्टोर रूम आदि का निरीक्षण किया है राज्य मंत्री ने शिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी जानी है कि जो शिकायतें मिल रही हैं उनका निवारण किस तरीके से किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तर प्रदेश में जब से योगी 2.0 सरकार का गठन हुआ है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपराधी हो या फिर माफिया, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी या फिर कोई भी भ्रष्टाचारी हो, योगी का चाबुक लगातार सब पर चल रहा है। यही कारण है कि योगी सरकार में इस बार जितने भी मंत्री बनाए गए हैं सभी को एक जिम्मेदारी दी गई है। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को 100 दिन में बेहतर काम करके रिपोर्ट देने को कहा है, जिसके चलते सभी मंत्री ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर देहात पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री मनकेश्वर सिंह। राज्य मंत्री मनकेश्वर सिंह ने यहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान राज्य मंत्री ने गंदगी के अंबार को देखते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और CMS को जमकर फटकार लगाई। दिखाई पड़ रहा है कमियां बहुत सारी हैं, बाकी थोड़ा समय दीजिए, सब कमियां सही होंगी, निश्चित तौर पर सही होंगी। लगातार जिला अस्पताल में कमियां हैं, जिससे जो मरीज आते हैं वो सफर कर रहे हैं, तो इनको किस तरीके से रिलीफ दी जाएगी? मैंने आपसे कहा कुछ समय दीजिए, अपने आप रिलीफ सबको मिल जाएगी। सर ये तो जिला अस्पताल है, लेकिन जो जनपद में CSC PSC भी नहीं, उनकी हालत इससे भी ज़्यादा खस्ता है, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था, वहाँ भी वार्ड बॉय चला रहे हैं? समय दीजिए, सब सही हो। सरकार की पूरी प्राथमिकता है स्वास्थ्य विभाग में जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करना। और रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। अभियान से पहले सभी दुकानदारों को 2 दिन का समय भी दिया गया है। सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वो दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर स्थायी या फिर अस्थायी अतिक्रमण 9 मई तक हटा लें। जिला प्रशासन का कहना है कि अगर अतिक्रमण स्वेच्छा से नहीं हटाया गया तो 10 मई को जिला प्रशासन बुलडोजर चलाने पर मजबूर होगा। दरअसल शहर के मुख्य चौराहों और मुख्य बाजारों की सड़कों पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण के चलते आने जाने वालों को काफी परेशानी होती है, इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जनपद के शहरी क्षेत्रों में लोगों के आवागमन इत्यादि में जो असुविधा हो रही है उसके दृष्टिगत रखते हुए मेन मेन चौराहे और मेन मेन मार्केट्स में जहाँ पर कि लोगों के द्वारा अपनी दुकानों से बाहर आकर के सामान इत्यादि रख दिया जाता है, जिसकी वजह से सकरा मार्केट होता है और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, मीडिया के बंधुओं से और व्यापार मंडल से इस अनुरोध के साथ में अपील करा रहे हैं कि जिनके द्वारा इस प्रकार के अतिक्रमण किए गए हैं उसको स्वयं से हटा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में मंगलवार से हम इस पर अपनी वैधानिक कार्रवाई करेंगे और उनके सामानों के जब्तीकरण के साथ साथ में नीलामी की भी कार्रवाई करेंगे। और हमीरपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी जो 4 दिन के अंदर 2 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था, वो कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के दौरान घायल होकर पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया है, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि अभियुक्त के कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ है। जानकारी पुलिस ने यह दी है कि आरोपी अकबर 3 हत्या और डकैती की घटना में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। थाना अंतर्गत 2004 में 3 हत्या सहित डकैती का अभियुक्त अकबर, जो छतरपुर का रहने वाला है, जिसे 2018 में आजन्म कारावास की सजा हुई थी, जो पुलिस अभिरक्षा से 2 बार फरार हुआ और कानपुर आउटर और हमीरपुर से 25,000 का इनाम घोषित था, आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और इलाज के लिए कुरारा CSC में भर्ती कराया गया है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि 7 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। विश्वभूषण मिश्र को अपर आयुक्त वाराणसी मंडल बनाया गया है। सुशील प्रताप सिंह को प्रभारी अपर निदेशक प्रशासन बनाया गया है। अजीत कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी अमेठी बनाए गए हैं। राकेश सिंह मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। साथ ही साथ और भी नाम इसमें शामिल हैं, वो आपको बताते हैं कि सहदेव कुमार मिश्र को अपर जिलाधिकारी सोनभद्र बनाया गया है। अवनीश सक्सेना को सचिव UP अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बनाया गया है। तो 7 PCS अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए।
तो 7 पीसीएस के अलावा 5 आईएएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। कौन कौन से नाम सामने आए वो आपको बताते हैं। आईएएस शशांक त्रिपाठी को विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है, साथ ही साथ आईएएस ईशान प्रताप सिंह को विशेष सचिव सीएम बनाया गया है, आईएएस गौरव कुमार को मुख्य विकास अधिकारी गोंडा बनाया गया है, और आपको बता दें कि आईएएस अनुभव सिंह को मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती का बनाया गया है। तो एक तरफ तो 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, तो वहीं 5 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, उम्र कैद का मतलब आखिरी सांस तक कैद, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हत्या के लिए न्यूनतम सजा उम्र कैद, हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हत्या के लिए अधिकतम सजा मृत्यु दंड है, उम्र कैद सीमित अवधि तक नहीं हो सकती, हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला है, उम्र कैद का मतलब आखिरी सांस तक कैद, ये फैसला दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। हत्या के लिए अधिकतम सजा जो है वो मृत्यु दंड है, उम्र कैद सीमित अवधि तक नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट का है। और एक और बड़ी खबर गोंडा से आपको दे दें कि मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी का तबादला कर दिया गया है। गोंडा के नए मुख्य विकास अधिकारी बनाए गए हैं गौरव कुमार, आजमगढ़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे गोंडा के नए सीडीओ गौरव कुमार। गोंडा के सीडीओ रहे शशांक त्रिपाठी को विशेष सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री का। तो तबादला एक्सप्रेस तो उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, और जो तबादले किए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कई पीसीएस के तबादले हुए, कई आईएएस के तबादले हुए, इसी कड़ी में और तबादले जो लिस्ट सामने आई है वो आपको बता दें कि गोंडा के सीडीओ रहे शशांक त्रिपाठी को विशेष सचिव सीएम बनाया गया है। तो सीएम का विशेष सचिव बनाया गया है शशांक त्रिपाठी को। एक और बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है, अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी है, कार में सवार 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष, 1 बच्चा भी शामिल है, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। नौजील थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो एक सड़क हादसा और कई लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई है, नौजील थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे की यह घटना है, मथुरा से जानकारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है, अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी और यह हादसा हुआ, कार सवार 7 लोगों की मौके पर मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सुबह थाना नौजील क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे हाई पर माइनर सिटी 8 के निकट एक वैगनार का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वाहन में सवार 3 पुरुष, 3 महिला एवं 1 बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई है, 1 पुरुष और 1 बच्चा घायल है जिसका हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मापुर में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। वहीं गुस्साए लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना गौरा बादशाहपुर का मामला है, यहाँ पे 3 लड़के थे जो आपस में किसी अंडे की दुकान पर अंडा खा रहे थे, वहाँ लेके इनके आपस में कोई बात विवाद हुआ जिसमें इन्होंने आपस में मारपीट की और अंडे की दुकान का जो चाकू था उसको उठा के भी इन्होंने दूसरे पर प्रहार किया। उसमें एक लड़का है बादल यादव, उसकी मृत्यु हो गई। बाकी जो 2 लोग थे उनको हल्की चोटें आई थी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद उनका प्रॉपर पुलिस इलाज करा रही है। इस पूरे मामले में इस क्षेत्र में उसके बाद सड़क पर जाम लगा के कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया था। और इन्हीं खबरों के साथ ही पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।